संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, संसार में मनुष्य के जीवन में भक्ति का कितना महत्व है। संत कबीर कहते हैं कि भक्ति विहीन मनुष्य ज्ञान को भी प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि भक्ति अंतःकरण को शुद्ध करती है, आचरण को शुद्ध करती है, कर्म को शुद्ध करती है, और भक्ति से ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। और जिसको इस संसार का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, वह आत्मा संसार के दुखों से बच पाता है, अन्यथा इस संसार में लोग जिस दिन से होश संभालते हैं उसी दिन से ठीक से बेहोश हो जाते हैं। मध्य प्रदेश नरसिंहपुर जिले में मेरा सत्संग था, वहाँ के एक पंडित जी सत्संग में आए, फिर अलग से भी मिले, फिर उन्होंने अपने गाडरवाड़ा तहसील के लिए आमंत्रित किया और बोले कि पूरा शहर बेहोश है। तो मैंने कहा बेहोश कैसे है? बोले दुनिया के लोग समझते हैं कि बचपन बीत गया, जवानी आ गई तो होश संभाल लिया, होश खो गया है, होश हवास नहीं है, कोई दारू पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई और बुरे कर्मों में लगा हुआ है। तो ये होश तो खो गया है, ये होश कहाँ आया है? होश का मतलब होता है होश और बेहोश, जोश और खरोश। होश का अर्थ है जब आदमी मर जाता है और फिर से उसकी आंखें खुल जाए तो कहते होश आ गया उसको। और जब आदमी पूरा नहीं मरता है लेकिन मरे हुए जैसा हो जाता है, लोग कहते बेहोश हो गए। अब समझो मर ही गए या मर रहे हैं, मरने जा रहे हैं, बस करीब पहुंच गए, बेहोश हो गए। अब बेहोश व्यक्ति जब होश में आता है तब वो पुनः सूझबूझ से कार्य करता है, और जब मनुष्य बेहोश है, होश में ही नहीं है, मरे हुए जैसा पड़ा है, उस जीवन का कोई अर्थ ही नहीं। तो कितने लोग इस दुनिया में बेहोश जिंदगी जीते हैं, उनके माँ बाप भी कहते हैं कुछ होश हवास है नहीं इनको। जिंदा हैं, सांस ले रहे, खा भी रहे, सो भी रहे, चल भी रहे, लेकिन होश हवास नहीं। होश हवास का मतलब है सूझबूझ से कार्य करने की क्षमता नहीं है, सूझबूझ नहीं। ये सूझबूझ का आना कोई साधारण बात भी नहीं है।
मनुष्य को जीवन भर लोग सिखाते हैं फिर भी ये अनसीखा रह जाता है। बचपन में इसको माँ सिखाती है, थोड़ा बड़ा होता है तो भाई सिखाते हैं, पिताजी सिखाते हैं, बहन सिखाती है, फिर और थोड़ा बड़ा होता तो पड़ोसी भी सिखाते हैं। पड़ोसी भी कहते थोड़ा संभल के चलो। फिर रिश्तेदार भी समझाने आते हैं कि होश में रहो, वो भी सिखाते हैं। शादी हो जाती तो पत्नी भी सिखाती है और पति पत्नी को सिखाता है, दोनों एक दूसरे को समझाते हैं और दोनों ना समझे। फिर भी होश नहीं आता है, आदमी चूक जाता है। और भक्ति एक ऐसी चीज है, यदि सत्संग न मिले तो भक्ति धीरे धीरे खो जाती है। दर्शन बार बार न मिले तो भक्ति कमजोर हो जाती है। प्रवचन सुनने को बार बार न मिले तो मनुष्य के भीतर संसार भर जाता है। कुछ लोग कहते बार बार सत्संग में क्या जाते हैं, जिसकी ज्यादा तबीयत खराब होती है बार बार डॉक्टर कहा जाता है। तो ये गुरु एक बहुत बड़ा मनोचिकित्सक डॉक्टर होता है, ये डॉक्टर का भी डॉक्टर है और ऐसी बीमारियों का इलाज करता है गुरु, जिसके इलाज की कोई दवाई कंपनी में नहीं बनी है, कोई डॉक्टर के पास नहीं। किसी को लोभ आता है तो इसका क्या इलाज है, कोई न टेबलेट है न इंजेक्शन है। लालच बहुत है, लालच में परेशान है। और किसी को आलस्य है अब इसका क्या इंजेक्शन है। किसी को गुस्सा बहुत आती है, नाराज हो गया भोजन नहीं खाता है, घर से दो चार दिन निकल जाता है, घर वालों को धमका देता है कि अभी कुछ कहा है तो दो चार दिन के लिए गया हूं, ज्यादा कहोगे तो बिल्कुल चला जाऊंगा, ज्यादा दबाओगे तो मर भी जाऊंगा। अब इसकी बीमारी का इलाज है क्या, इस बीमारी का इलाज सत्संग में होता है और मनुष्य को शांति इन्हीं बीमारियों के कारण नहीं मिलती है। बहुत से लोगों को मैंने कहते सुना है, अमीरों को भी गरीबों को भी, कि हमारे घर में शांति नहीं। तो मैंने कहा घर में किसी के शांति रहती ही नहीं है, शांति मन में रहती है, घर में नहीं। तुम्हारे मन में शांति आ जाएगी तो घर में शांति हो जाएगी। अब शांति की तलाश में लोग निकलते हैं, तीर्थ धाम जाते हैं, वहां भी कुछ नहीं मिला। जितने गंगा जमुना नदी सब में डुबकी मार के देख लिया, कितने लोग पूरे परिवार सहित तीर्थों में स्नान करते हैं, सोचते हैं जितना पाप हो सब एक साथ धोई जाए, घर में शांति आ जाए। लेकिन पाप कोई ऐसा नहीं है जो आपके बदन का मैल हो धोया जा सके। और डुबकी लगाने के बाद वो जितने पापी हैं वो सब फिर घर में पहुंचते हैं, फिर नया पाप करते हैं। ये पाप करने की प्रवृत्ति कैसे बंद हो, ये पाप करने का जो उनका मन आदत पकड़ चुका है वो कैसे सुधरे, तो केवल सत्संग से सुधरे। और सत्संग वो भी ऐरे गैरे नथू खैरे के सत्संग से भी नहीं सुधरेगा। कितने लोग तो ऐसे सत्संग कर रहे हैं जो खुद भी नहीं सुधरे और सत्संग कर रहे हैं। खूब कहते हैं कि साफ सुथरा रहना चाहिए और सबसे मैलुआ खुद ही रहता है, उनके सत्संग से कुछ भी नहीं होगा। प्रवचन असर उनका डालता है जिनका आचरण भी वैसा होता है।
और आचरणहीन व्यक्ति के प्रवचन से भीड़ इकट्ठी हो सकती लेकिन सुधार कुछ नहीं, वो सब भीड़ भेड़ों की होगी। तो ये मानसिक बीमारियां जो काम वासना है, काम वासना जब सीमाएं तोड़ने लग जाती है तो मनुष्य का मान सम्मान इज्जत मर्यादा सब नष्ट होने के कगार पर पहुंच जाता है। अभी इस काम वासना की तरफ से मन को नियंत्रण करने के लिए कोई दवा नहीं है, इसके लिए सिर्फ ज्ञान है, और ज्ञान उसको मिलता है जिसके अंदर भक्ति होती है, सत्संग होता है। श्रद्धा लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्रद्धावान और गुरु के पास जितने लोग आते हैं वो सभी ज्ञान लेने के उद्देश्य से आते भी नहीं है, कुछ लोग तो आशीर्वाद लेने के उद्देश्य से आते हैं कि हमारे बच्चा नहीं हो रहा है, आशीर्वाद दे तो बच्चा हो जाए, ज्ञानवान की जरूरत नहीं। चलो आशीर्वाद भी चाहिए वो भी मिल जाएगा, लेकिन ज्ञान के बिना आपका मन नियंत्रित नहीं होगा और मन में उठने वाले जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार चोरी छल कपट आलस गाली गलौज, ये सब बिगड़े मन की देन है। तो इसका सुधार जब तक नहीं होगा शांति तब तक मिलेगी नहीं। और आपके परिवार में अगर एक भी व्यक्ति बिगड़ा है और तुम कितने सुधर जाओ फिर भी तुमको शांति नहीं मिलेगी। वो एक व्यक्ति जो है, तुम खूब गंगा जल से स्नान करके बैठो, हैंडपंप में नहाओ, खूब साबुन लगा के नहाओ, ऊपर से सेंट छिड़क ले, लेकिन तुम्हारे पड़ोस में अगर लेटरिन पड़ी है एक कुंटल, तो तुमका खुशबू ना ही आई बदबू। तो तुम्हारे परिवार में अगर एक भी दुष्ट है तो वो दुष्ट तुमको शांति नहीं लेने देगा। और परिवार की छोड़िए, पड़ोसी अगर दुष्ट है तो वो भी आपको शांति नहीं लेने देगा। और पड़ोसी के छोड़िए, यदि कोई रिश्तेदार 100 किलोमीटर पर रहता है वो दुष्ट है तो वो भी शांति नहीं लेने देगा। इसलिए कहते हैं जो ज्ञान मिला है उसका प्रचार कीजिए, घर वालों को उससे जोड़िए, पड़ोसियों को जोड़िए और रिश्तेदारों को भी जोड़िए, जो जो तुमसे जुड़े हैं, जिनका जिनका तुमसे रिलेशन है, संबंध है, उनको उनको ज्ञान सत्संग भक्ति से जोड़िए, तब उनके मन की शुद्धि होगी। और जब सबका मन उनका पवित्र हो जाएगा तो किसी तरफ से तुमको डिस्टर्ब नहीं होगा, फिर शांति मिलेगी आपको। ईश्वर बहुत मैं विचार भी करता हूं शांति के ऊपर, लेकिन याद रखना पूरा पूरा सब सुधर जाए ये भी संभव नहीं, कुछ तो रहेंगे टेढ़े नाथ। यह उत्तर प्रदेश में टेढ़े नाथ का भी मंदिर है, भूतनाथ, टेढ़े नाथ, बैजनाथ। तो टेढ़े नाथ की पूजा लोग करते हैं, तुम्हारे घर में भी एक दो टेढ़े नाथ रहेंगे तो टेढ़े नाथ की पूजा करो, टेढ़े नाथ को निभाओ, और क्या करो। अब फंस गए तुम, टेढ़े नाथ तुमको मिल गए, किस्मत से मिले, तो उसमें आपको संतोष भी करना पड़ेगा और सहनशीलता भी रखना पड़ेगा, गम खाना पड़ेगा। सपोज तुम कितनी बचत करते हो, कितनी बचत करो, बिल्कुल एक पैसे फिजूल खर्ची मत करो, लेकिन तुम्हारे घर में दो एक सदस्य ऐसे होंगे वो जब मार्केट जाएंगे तो 200-400 फिजूल खर्ची जरूर करके आएंगे। अब या तो उस घर का सदस्य खो दीजिए और या तो 400 रुपये खो दीजिए। तो रुपये खो दोगे कल कमा लोगे और सदस्य खो दोगे तो कभी नहीं पाओगे, इसलिए रुपये खो दो, संतोष कर लो, गम खा लो और दूध में शक्कर डालकर पी लो,
और शांति प्राप्त करो। किसी की बात की भी गम खाना पड़ता है तब शांति मिलती है, और कभी कभी धन की हानि की भी गम खाना पड़ता है, और कभी तुम्हारी प्लानिंग को पूरा एक आदमी बिगाड़ देगा उसकी भी गम खाना पड़ेगा, और आपके घर का कोई व्यक्ति गाड़ी लड़ा देगा वो भी गम खाना पड़ेगा। समझाइए भी, गम भी खाइए, थोड़ा डांटिए भी, थोड़ा समझाइए भी। अब यहां पर सवाल ये खड़ा होता है, अगर शांति ही चाहते हो तो एक असली पॉइंट आज बता देता हूं, आज बताऊं कि लास्ट दिन बचाऊं, आज ही बता देता हूं। इस संसार की परिभाषा को समझो, ये संसार है क्या। सबसे पहली बात, अभी तुम्हारा जहां जन्म हुआ है इससे पहले भी तुम कहीं थे, उससे पहले भी कहीं थे, उससे पहले भी कहीं थे, और वहां भी तुम्हारी फैमिली थी, वहां भी फैमिली थी, वहां भी फैमिली थी, और वहां भी तुम किसी के बेटे थे, किसी के पति थे, किसी के बाप थे, किसी के नाना थे, किसी के दादा थे, चाचा थे, मामा थे, काका थे, और पत्नी थे, बुआ जी बनी थो, ये सब थे, था थी थे सब था। वहां भी धन था, दौलत थी, औरत थी, पति था, और दुर्गति भी थी, सब था। और वहां जिस दिन तुम्हारी मौत हुई है तो जिस शरीर से सब रिश्ते जुड़े थे वो शरीर वही छोड़ दिया तुमने, आत्मा निकल गई। उस दिन से न उस घर की चिंता रही, न परिवार की, न उस धन की, न मकान की, न रिश्तों की, सारा काम खत्म हो गया। फिर दूसरी जगह इसी तरह से जन्म हुआ, फिर सब मिले, सब किया, धरा उलझन रही, फिर मर गई, फिर छोड़ा तीसरी जगह, ऐसे अनादिकाल से, इसके कितने वर्ष हुए ये कोई नहीं बता सकता, अनाथ काल से बार बार जन्म हो रहा है, बार बार फैमिली मिल रही है, बार बार सब यही लफड़ा कर रहे हो, अब बार बार इसी उलझन में पड़ रहे हो, बार बार फिर अब इस बार जो जन्म मिला तो योग संयोग से सत्संग भी मिल गया। अब सत्संग मिल गया, अब ये विचार करना है ये जितना फिर तुम्हें सब मिला है सिस्टम, ये सब छूटने वाला है, और मौत कब होगी ये किसी को पता नहीं, किसे पता क्या उड़ चलने का आ जाता कब बेला है। जब तक जीवन है तब तक उलझे हुए हैं, जब तक जिंदगी है तब तक बहुत दुख है, और मर गए बात खत्म हो गई। अब करोगे क्या, इस मन को, इस मोह से। एक संत ने बहुत बड़ी बात कही कि मरने से पहले मर लिया, जिंदा हूं लेकिन मरने से पहले मरा जैसा हूं। एक बूढ़ा आदमी हंस रहा था, मैं उसके घर पधरौनी गया, तो तखत पर बैठा था, हंस रहा था, तो उठा झपट के चरण छुई ली, हमसे बोला आप अंदर जाओ, अपना फिर तखत पर बैठे हुए बाहर बंगला में। तो जब अंदर हम गए, वहां आरती पूजा सब हुआ, तो उसके तीन बेटे थे, तीन बहुएं थे, तो उन्होंने और कुछ नहीं कहा हमसे, कहा हमारे पिताजी का समझाए दो थोड़ा। तो हमने कहा इनमें क्या गड़बड़ है, कहीं ना कुछ बोलता ही नहीं। तो हमने कहा तब तो स्वतंत्र हो गए तुम, और अच्छा है, अरे कहीं ना कुछ कहता ही नहीं है, और न भोजन खाए आवत है, और न चाय मांगत है, और न कोई इस कुछ बातें करते हैं। तो हम कहें फिर करते कहा है, बोले जब देखो तब रामायण खोले बैठे। तो हमने कहा ऐसा कब से हुआ, कहीं नहीं हुआ साल ही दो साल से, उनके पहले बहुत तूफान मचाव रहा है, एकदम ही तूफान बंद हुए। तो मैंने बुलवाया कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि ज्ञान हो गया और कुछ नहीं हुआ, ना कोई से नाराज है और ना कोई से लफड़ा है, 70 साल उम्र है,
ऐसे ऐसे न जाने कितने 70,000 जन्म सब बवाल कर चुके हैं। अब 70 साल यही उम्र में कर लिया जिंदगी में, अब हम शांति से रही, अब जी का जीवन मन हो तो हम कर जाए। अब घर के लोग ये चाहते थे कुछ न कुछ कहें, कुछ बोले, कुछ बतकही हो, कुछ उलझन हो, कुछ इनको हम कही कि पिताजी का दिमाग ठीक नहीं है, लेकिन अब ऐसा तू शांत हो गए। तो हमने कहा दिमाग फेल बताए रहे लोग, बोले फेल ना, इनसे अच्छा दिमाग है। अब वो 70 साल की उम्र में, तो हमने कहा कुछ काम करते हो कि नहीं, बोले काम हम अपने हिस्से का सब करते हैं, द्वार पे झाड़ू लगाता हूँ, मेहमान आ जाता उससे प्रेम से बोल देता हूँ, और जानवरों के नांद में चारा डाल देता हूँ, हमको जो करना वो हम कर देते हैं। तो मैंने कहा ये भी बहुत बड़ी समस्या है, अभी इस आदमी को भी शांति मिली नहीं है, अभी ज्ञानवान नहीं हुआ है, क्योंकि ज्ञान होने पर व्यक्ति ना तो मौन होता है ना तो अधिक बोलता है। ज्ञान जब होता है तो मनुष्य मध्यम मार्ग चलता है, मध्यम मार्ग, और जिसको ज्ञान नहीं होता है वो अति के ऊपर चला जाता है, और जहां अति है वहां क्षति है और दुर्गति है। जिसको ज्ञान हो गया, जैसे कुछ लोग भोजन छोड़ देते हैं, इनको ज्ञान हुआ नहीं अभी तक, और कुछ लोग भोजन बहुत खाते हैं, अंधाधुंध जुटे हैं लंगोट बांध के, दिन में 3-3 बार 6-6 बार और एक एक भगौना खीर पिए थे, और उसके बाद कहा पेट में कुछ गड़बड़ है, अब गड़बड़ का भगौना ही बचा, बाकी खीर तो बची नहीं, अब भगौनों पी लेती तो हो ही जाती गड़बड़ खत्म। उधर वो अति पर चले गए। महात्मा बुद्ध के बारे में सुना जाता कि उन्होंने भोजन छोड़ दिया था, बिहार में उनका भ्रमण था, तो बिहार में एक स्थान है बोध गया, जहां गया पराग करे जाते हैं लोग मरने के बाद। अब देखो कितनी जबरदस्ती वाली बात है, बाप जब तक जिंदा रहा तो न गया गया न पराग गया, अब मरने के बाद उसकी हड्डी बेटा लोग जबरदस्ती मरी हड्डी हुआ छोड़ आए। अरे जिंदम जब वो जवैया नाई रहे तो मरे मुखी हड्डी जबरदस्ती काहे छोड़ गयो, यही धरी रहन दे, तो क्या तब परी रहन दो, सड़के जो है DAP बन जाए। लेकिन बाप की जाने की इच्छा होती यदि तो होशियार था, वो बॉम्बे दिल्ली सब घूम आया, और गया प्रयाग कहीं जाने की इच्छा ही नहीं थी, और वो मर गया इसे। अब तुम की हड्डी हुआ छोड़ जाओ तो कि आत्मक बड़ा दुख हुई कि जो जिंदा होते हैं तो ये हड्डी जाती ना गया प्रयाग, लेकिन मरे लई गवा का करे। आत्मा को कष्ट होता है। अभी फालतू लोग हड्डी लदे लदे घूम रहे, और हड्डी का नाम रखे नहीं लोग फूल, कहते फूल परोहन करेंगे, फूल प्रवाहित करते हैं। याद रखना, तो महात्मा बुद्ध वहां सीढ़ी उतर रहे थे, गिर पड़े, बहुत वर्षों तक भूखे रहे, भोजन ही नहीं किया, तो बुद्ध भगवान ने कहा कि अब लगता है मैं मर जाऊंगा, तो ये कोई स्त्री सी सुजाता नाम की, वो खीर बना कर लाई, अब बुद्ध को खिला दिया, तो उनकी आंखें खुली, तो उन्होंने कहा अन्न भी खाना जरूरी है। तब उन्होंने मध्यम मार्ग चुना, थोड़ा भोजन भी करने लगे। अब ये बात महात्मा बुद्ध ने भोजन को छोड़कर भूखे रहकर वर्षों तक भूखे रहकर और दुर्बल होकर कमजोर होकर बीमार होकर गिर पड़े और चोट लगी, उसके बाद खीर खाए और तब बोध हुआ उनको कि मध्यम मार्ग ठीक है। और ये बोध मध्यम मार्ग का है, हर जानवर को है, हर चिड़िया को है, कोई चिड़िया और जानवर कोई भोजन खाना नहीं छोड़ते, बीमार होते हैं तो थोड़े दिन नहीं खाते हैं, 2 घंटे 4 घंटे, और मनुष्य बीमार होता है तो भी डॉक्टर से यही पूछता है डॉक्टर साहब अब क्या खाएंगे, खाना
खाने के बाद फिर करता है, अब खाने से ही बीमार हुआ है। तो डॉक्टर मुस्कराता है, कहता है सब कुछ खाओ केवल चावल ना खाना। डॉक्टर भी जानता है अगर खाई ना तो हो रे आई ना, तो खाए वो खूब। तो ये मध्यम मार्ग का ज्ञान तो जानवरों को भी है, गृहस्थों को भी है। इसमें जितने लोग बैठे हैं सब मध्यम मार्ग में चल रहे हैं। थोड़ा सुबह नाश्ता ले लेते हैं, दोपहर में थोड़ा भोजन और शाम को थोड़ा खा लेते हैं। अगर भोजन नहीं करोगे तो फल खाना पड़ेगा, फल नहीं खाओगे तो दूध पीना पड़ेगा, और दूध भी नहीं पियोगे तो फिर चाय पीना पड़ेगा। कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन फल से और दूध से आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ा भोजन अंदर जाना चाहिए, रोटी दाल सब्जी ये तीन तो जरूरी है। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में मध्यम मार्ग हमको आपको चुनना है, मध्यम मार्ग। बहुत अधिक भी मत खाओ, बिल्कुल छोड़ो भी मत। घर में गम भी खा लो, थोड़ा समझा भी दो, क्योंकि जितने लोग हैं सबकी बिलग बिलग आत्मा है, बिलग बिलग मन है, बिलग बिलग शरीर है, पृथक पृथक उनकी बुद्धि है और अलग अलग संस्कार है। तो वे सब हमारे ढंग से तुम्हारे ढंग से कैसे चल सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर सारा सिस्टम ही अलग लगा है, वो मशीन ही अलग है, उनकी सोच अलग है, विचार अलग है, चिंतन अलग है, रुचि अलग है। इसलिए वे कुछ भी करें, उनकी 100% इच्छा हम तुम्हारे ढंग से ही करें, फिर भी कुछ न कुछ अलग ढंग से हो जाएगा। उसमें सहनशीलता और संतोष रखना चाहिए और उसी में अपने को एडजस्ट करना चाहिए, तब उस व्यक्ति को शांति प्रसन्नता मिल सकती है, अन्यथा वो कभी खुश नहीं होगा। एक छत्तीसगढ़ से साधु जैसे कपड़ा पहनकर आदमी आया, तो हमारे गुरु जी से बोला, तब मैं प्रवचन नहीं करता था लेकिन बैठे बैठे सुनते रहते थे, का हो रहा बत कहो, कौन का बतला दे। तो वो बोला घर में शांति नहीं मिली, बोला दो चार आश्रमन गिन हो शांति नहीं मिली, मंदिर में रहन पूजा करण वो हम शांति नहीं मिली, नौकरी मंजूरी करण वो हम शांति नहीं मिली, शादी करण उमा बिल्कुल शांति नहीं मिली। तो बोला अब आखिरी में तुम रही आयन है। तो हमारे यहाँ गुरु जी बोले यस तुम चले जाओ, तुमका हियो शांति न मिली। शांति किसी स्थान में नहीं होती। कोई व्यक्ति सोचे कि हम यहाँ कबीर धाम मुस्तफाबाद आ गए यहाँ शांति मिल जाएगी, यहां शांति नहीं मिलेगी। शांति कब मिलेगी, जब ये प्रवचन का ज्ञान आपके भीतर प्रवेश करेगा और आपके कर्म आचरण स्वभाव और व्यवहार और वाणी को बदल देगा, तब तुम जहां भी खड़े हो जाओगे वही शांति तुमको मिल जाएगी। कर्म आचरण और स्वभाव बदलना है, उसी लिए ये सत्संग होता है। तो इसके लिए भक्ति जरूरी है, बार बार सत्संग सुनने की जरूरत है, क्योंकि संसार में चारों तरफ इतना कुसंग फैला हुआ है कि मन किस क्षण ना बिगड़ जाए, किस क्षण ये कामी हो सकता है, क्रोधी हो सकता है, लोभी बन सकता है। आज का ईमानदार व्यक्ति अगर कुसंगत पड़ जाए तो कल बेईमानी कर सकता है, और आज का त्यागी व्यक्ति कल भोगी बन सकता है। इसलिए कोई साधु बन गया उसको भी गुरु से अटूट रिश्ता रखना चाहिए और गुरु के सानिध्य में रुकना चाहिए, रहना चाहिए, अन्यथा धीरे धीरे घर गृहस्थी का मोह पकड़ेगा, भाइयों का मोह, भतीजों का मोह, और खाली कपड़ा रह जाएंगे यही, बाकी लफड़ा सब घर बुरा का भर जाएगा। और जितनी बुद्धि बिगड़ जाएगी वही साधु के उतने वो घर है तरफ भागी। कहते हैं सियार की जब मौत आवत तो गांव तरफ भागत है, और साधु फिर जब मौत आवत तो अपने घर की तरफ भागत है। घर तो मोह का अड्डा है। एक वो लाल साधु बैठा, बहुत मजेदार साधु,
ये साधु कल बोला कि हम घर गए तो एक बार सूटकेस हम 6,000 रुपया घर से लाए। तो कहा जब हुआ देहन अपने गुरु भाई के हैं या गुरु के हैं कोई देहन संतन गया भाई घर से लाए 6,000, तो वही गुरु भाई और गुरु कही नहीं कि ये तुम जहाँ से लाए हुए दया हो जाए, न लेना है न देना है, यहाँ से देना भी मत वहाँ से लेना भी मत, और लेना देना बनी हो तो निश्चित है हुए तुम्हारा मोह जुड़ जाए। तो बोल रहे तब से हम न लीत है न दीत है। ये बहुत बड़ी बात है। आपके घर के लोग दान पुण्य करें वो अलग बात है, वो ले लेना चाहिए, क्योंकि दुनिया के लोग दान देते हैं तो उनका कल्याण होता है, तो आपके जो घर परिवार के लोग हैं वो भी दान उनको भी करना चाहिए। दान करने से धन की शुद्धि होती है, लोभ की मृत्यु होती है, और पाप का बाप है लोभ महाराज, इससे बड़ा कोई पाप का बाप ही नहीं लोभ बाबा, और इस लोभ महाराज को मारने का यंत्र है दान। तुम किसी को पुराने चप्पल भी तब दे पाओगे जब चप्पल का लालच छूट जाएगा आपका, अन्यथा पुराने घिस गई हैं, और कितने घरों में देखें 20-20 जोड़ी चप्पल घिसे धरे हैं, दिन कोई ना है, पहरे वाले हैं ना, वो पहरी बोन करी है। तो हमने कहा बहुत जगह घेरे हैं, अरे कहीं पुराने हैं, तो हमने कहा कोई गरीब दे देते, अरे किसको दे धरे रह, तो देख लेते हैं, तसल्ली हो जाती कि हमारे। दान देने के लिए जब लोभ को मनुष्य मार पाता है, इसलिए जहां दान की चर्चा चलती बहुत लोग बैठे रहते हैं, उमस कोई कान नहीं हलावत है कि उठी हम कुछ चलो 100 रुपया दे दिया, चुप्पे बैठ रहा, क्योंकि अंदर लालच बैठे कि दीब नहीं चाहे जत्ता तुम समझाओ। और जो व्यक्ति दान नहीं करता है, याद रखना, तो उसका लालच तो मरा नहीं, उसका जब कहीं नुकसान हो जाता 1,000, 2,000, 10,000 का तो बहुत दुखी होता है, और जिसकी आदत बन गई 2-4 हजार देने की, इधर उधर त्याग करने की, धर्म में लगाने की, तो कहीं नुकसान भी हो गया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो हटाओ कोई बात नहीं। तो लोभ को जीतने का साधन दान है, और दान से आश्रम बनते हैं, दान से मंदिर बनते हैं, दान से मंडप बनते हैं, दान से माइक लगते हैं, दान से प्रवचन होते हैं, दान से भंडारे चलते हैं, और दान से प्रसाद बंटता है, दान से सब सेवा होती है। गुजरात में एक मंदिर बन रहा था, तो लोग कह रहे थे इस मंदिर में 60,000 लोगों ने दान दिया है, 60,000। हमने कहा इसमें लगेगा कितना, बोली इसमें कम से कम 50 करोड़ लगेगा। तुमने कहा बहुत बड़ा है, बोले बड़ा, पूरा पहाड़ अंदर खोद बना दिया मंदिर, अंदर अंदर पहाड़ू ही खोद दें पूरा, बोले ऊपर से पहाड़ू ही है, अंदर खंभे लगा दें ताकि पहाड़ टंगा रहा, खाली मैं छत डायरेक्ट जरूरत ही नहीं, अंदर क्या पहाड़ खोद लेंगे, ऊपर पहाड़ रहेगा, कछुआ क्यार जैसे ऊपर क्यार खबटा बचे हो अंदर का मांस गायब, तो उसी तरह से वो पहाड़ खोखला ऊपर रहेगा, भीतर खोद लेंगे और उसमें खंभे लगा दिया, अंदर हमको ले गए हुए सब दिखाई नहीं। बोले अभी चालू है काम, 60-70 हजार लोगों ने दान दिया है। तो हमने कहा इसमें सबसे छोटा दानी कौन है, बोले इसमें 5100 से कम का दानी कोई है ही नहीं। हमने कहा सबसे बड़ा दानी कौन है, बोले वो 51 लाख वाला सबसे बड़ा है। तो मैंने कहा इससे, बोले इस मंदिर से कम 5-6 करोड़ लोग यहाँ से जुड़े हैं, वो सब आएंगे, यहाँ प्रवचन होगा, मंदिर तो बहाना है, प्रवचन सबको सुनाना है। मैंने गायत्री पंथ वालों से पूछा यज्ञ क्यों करते हो, बोले यज्ञ बहाना है, प्रवचन सुनाना है, बोले डायरेक्ट प्रवचन में कोई आएगा नहीं, इसलिए यज्ञ के माध्यम से इकट्ठा करता हूं फिर प्रवचन सुना देता हूं। तीर्थों पर देखो, तीर्थ तो बहाना है, सत्संग सुनाना है, तीर्थों की महिमा इसीलिए है कि तीर्थ में आइए स्नान कीजिए कल्याण होगा, उससे कल्याण उल्लण कुछ नहीं होगा।
तीर्थ में जाओ, वहां जो साधु संत रहते प्रवचन करने वाले, उनके प्रवचन सुनो, सत्संग सुनो अच्छे संतों के, तो कल्याण तो आपका सुंदर स्वभाव बने, आपका कल्याण हो। अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, भक्ति महातम न तुले, ई सब कौने काज। भक्ति के समान इसको तौला नहीं जा सकता है। धनवान बनो, महान बनो, भक्तिवान बनो, श्रद्धावान बनो, बुद्धिमान बनो, आप सबका जीवन मंगलमय हो।